हेलो गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू IFL रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो रेसिपी है बहुत ही रिच होती है, बहुत ही लटपटी ग्रेवी होती है इसकी, और इतनी डिलिशियस लगती है गार्लिक नान या तंदूरी रोटी के साथ। और ये जो रेसिपी है रेस्टोरेंट्स में जब बनाई जाती है, दो तीन अलग अलग ग्रेवीज को मिलाकर बनाते हैं। मैं जैसे घर पे बनाता हूँ, इसे थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने तरीका, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। एक ही बर्तन में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर हम लोग एक ग्रेवी बनाएंगे और फिर बाद में इसको एक अनियन टमेटो मसाला का एक तड़का लगाएंगे। इतनी रिच, इतनी क्रीमी और डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। पनीर लबाबदार बनाई कैसी जाती है वो देख लेते हैं। एक बर्तन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। एक बार तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को अगर आपको स्लाइस नहीं करना है, इसको रफली चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी और 3 से 4 हरी इलायची डालकर हाई फ्लेम पर अभी आपको प्याज को कुक करना है, जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। एक बार प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसमें 3 टमाटर, 2 से 3 टेबलस्पून धनिए के डंठल, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़कर ऐड कर दीजिए। 15 यहाँ पर काजू डाल रहा हूँ और 3 टेबलस्पून मगज डाल रहा हूँ, यानी कि जो खरबूजे के बीज होते हैं वो ऐड किए हैं। अब अच्छे से आपको स्टर करना है और मीडियम फ्लेम पर आपको कुक करना है, जब तक कि टमाटर हल्के से गल नहीं जाते हैं। जो काजू और मगज हैं वो इस रेसिपी को अच्छी रिचनेस देंगे, अच्छा वो गाढ़ापन देंगे, जो पनीर लबाबदार में बहुत ज़रूरी है। रेस्टोरेंट्स में येलो या वाइट ग्रेवी ऐड की जाती है जिसमें काजू मगज ज़्यादा होता है, तो हम यहीं पर काजू और मगज को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि वो रिचनेस हमको यही ग्रेवी से मिल जाए। एक बार टमाटर हल्के से गल जाए तब इसमें आपको थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर अभी आपको पकाना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से पक नहीं जाएं। 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन निकालिए, आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब इसमें जो तेज पत्ता हमने ऐड किया था और दालचीनी हमने जो ऐड की थी उन्हें आपको निकाल लेना है। निकाल कर सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। एक बार सारी चीज़ें ऐसे ठंडी हो जाएं, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड करके आपको पीस लेना है। अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। एक फाइन पेस्ट में इन सारी चीज़ों को पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन ग्रेवी तैयार कर ली है। इस ग्रेवी को हम बाद में छान कर ऐड करेंगे, तो इस ग्रेवी को अभी साइड पर रख दीजिए। ग्रेवी को तड़का लगाने से पहले पनीर को टॉस कर लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गरम कर लीजिए, उसमें फिर 2 टेबलस्पून तेल डालकर तेल को भी गरम कर लीजिए। अब इस तरीके से मैंने 1/2 किलो पनीर क्यूब्स में कट कर रखा है, पनीर ऐड करना है। साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और चुटकी भर नमक डालकर इस पनीर को हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए या इस तरीके से टॉस कर लीजिए हाई फ्लेम पर। आपको पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ये बाहर से थोड़ा सा पक जाए, हल्का सा कोट हो जाए उन मसालों के साथ। तो क्या है, जब पनीर को हम ग्रेवी में डालेंगे तो फ्लेवर्स भी अच्छे रहेंगे पनीर के अंदर और पनीर हमारा टूटेगा भी नहीं। ये ज़रा सा एक प्रोसेस करने से पनीर के ऊपर बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो आप देख सकते हो बस 1-1.5 मिनट के लिए मैंने पनीर को पकाया है। पनीर को निकाल कर अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। अब ग्रेवी को तड़का लगा देते हैं ऑनियन टमेटो मसाला का। वॉक के अंदर आपको 3-4 टेबलस्पून तेल ले लेना है, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा आपको ऐड करना है, क्रैकल होने देना है, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऐड कर देना है। अब हाई फ्लेम पर अच्छे से आपको भूनना है प्याज को, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। एक बार प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। अच्छे से भूनना है 1-2 मिनट के लिए, जो कच्चापन है अदरक और लहसुन का वो निकल जाना चाहिए। एक बार अदरक लहसुन को आपने भून लिया है, फ्लेम लो करके इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। हल्का सा पानी का छींटा मार दीजिए या थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए इसमें और मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। एक बार मसालों को आपने पका लिया है इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएँ। टमाटरों को आपको पकाना है जब तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो आप देख सकते हो टमाटर हमारे एकदम अच्छे से गल गए हैं,
इस स्टेज पर यहाँ पर एक चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लबाबदार के लिए। कई जगहों पर कैप्सिकम को बड़े बड़े डाइसेस में और साथ में अनियन को भी ऐसे डाइस करके ऐड किया जाता है। मैं इसे चॉप करके कैप्सिकम को इसमें ऐड करता हूँ। बस एक मिनट के लिए स्टर करके आपको कैप्सिकम को भी भून लेना है साथ में ग्रेवी के। तो आप देख सकते हो हमारा जो तड़का है वो अभी तैयार हो गया है। इस स्टेज पर हमको ग्रेवी को छान कर इसमें ऐड करना है। तो एक छन्नी से ग्रेवी को छान लीजिए और ग्रेवी को इस तड़के में ऐड कर दीजिए। ग्रेवी को तड़के में ऐड करने के बाद अच्छे से आप स्टर कर लीजिए। अब तड़के को और ग्रेवी को आपको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो स्टर करते हुए इस ग्रेवी को 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। अगर आपको लगता है कोई भी स्टेज पर ग्रेवी आपकी बहुत गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। लटपटी ग्रेवी आपकी बननी चाहिए। 5 से 6 मिनट आपने ग्रेवी को पका लिया तो ग्रेवी को टेस्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक चुटकी शक्कर ऐड कर रहा हूँ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, स्टर कर लेना है। अब जो हमने पनीर को अलग से सौते करके रखा था उस पनीर को इस ग्रेवी में आपको ऐड कर देना है। पनीर ऐड करने के बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून मक्खन, 1/2 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी भर होममेड गरम मसाला। और यहाँ पर एक चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पनीर मैंने एक ऐसा ब्लॉक बचा के रखा था। लगभग 30 से 35 ग्राम पनीर यहाँ पर आपको ग्रेट करके ऐड करना है। इससे जो ग्रेवी का टेक्सचर है ना वो एकदम ही मज़ेदार आ जाएगा, एकदम रिच ग्रेवी बनती है ऐसे ग्रेटेड पनीर ऐड करने से। ये मेरी जो टिप है वो आप ज़रूर करना। सारी चीज़ों को हल्के हाथों से आपको अभी मिला लेना है। यहाँ पर आपको फ्लेम भी लो रखनी है, बहुत पकाना नहीं है तो क्रीम जो है वो फैट छोड़ देती है। एक बार आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है, ऊपर से ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। क्या ज़बरदस्त पनीर लबाबदार बनता है ये रेसिपी से। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और साथ में गार्लिक नान, बटर नान, तंदूरी रोटी बनाओ। और ये सारी रेसिपीज़ मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी है। तवे पर एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके के नान बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पनीर लबाबदार रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।